मैं सोच रहा हूँ इसे कॉलेज ले जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ इसे डेट पे ले जाऊँ। मैं सोच रही हूँ अपनी PhD पूरी कर लूँ। नाम के आगे डॉक्टर, वाह। अब आप सिर्फ पढ़ाई करो। नहीं डेस्टिनी है ना, घर हम संभालेंगे। एक का सपना सबके सब जागे, एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, मेरी डेस्टिनी ओनली यू। बढ़ती है पावर साथ चले हम, कोई मंजिल ना देखती दूर। चलते जाए इन राहों पे धुन नई गुनगुनाते, हंसते हंसाते निभाएंगे वादे। एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। अरे यार मम्मी, नॉट मम्मी, Dr. Mummy. India's first family scooter with revolutionary i3s technology. Nai Hero Destiny 125. Socho. Do kadam aage. सरकार द्वारा आदर्श गांव घोषित कालूझींडा पंचायत में पिछले 10 दिनों से पानी की एक बूंद न मिलने के चलते गुस्साई महिलाओं ने पंप हाउस को ताला जड़ दिया। वहीं सरकार व आईपीएच विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की व खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कहने को तो कालूझींडा पंचायत एक आदर्श पंचायत है, परंतु हकीकत में यहां लोगों को पानी की बूंद बूंद को तरसना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर उन्होंने आईपीएच विभाग का कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आलम यह है कि पंचायत के लोगों को पीने के पानी की समस्या के चलते बावड़ियों व तालाबों का गंदा पानी पीना पड़ रहा है, और जब सर्दियों में पानी का ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, गुस्साई महिलाओं व अन्य लोगों ने मौके पर ही सरकारी हेडपंप पर ताला जड़ दिया। बहुत ज्यादा समस्या है जी, हम घर का काम किए या पानी भरे, हमारे पशु भी है, हम बच्चों को स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चों को स्कूल भेजेंगे या हम पानी भरेंगे। महीने में तो तीन बार ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, कहाँ से पानी लाएंगे? पशु भी कितने बनाए, खुद भी पानी चाहिए। अभी कितने टाइम से समस्या आ रही है आपको पानी की? हमारे कुछ 2 महीने से समस्या ही है, कपड़े भी धोने हैं, काम भी करना है। लगातार 5-6 दिन हो गए जी, कहाँ से पानी लाए, कहाँ से पशुओं को बुलाए, कहाँ बच्चों को निकाले, कहाँ बच्चों को स्कूल भेजे, पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? पानी अब जी, अब पानी दूर दूर से लेकर आते हैं जी, यहाँ पानी आता ही नहीं है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर को बोलना जो पानी छोड़ दो तो ऑपरेटर पानी नहीं छोड़ता, ऑपरेटर की बदली होनी चाहिए, यहाँ से और ऑपरेटर आना चाहिए। रोज ही ट्यूबवेल खराब हो रहा था, 15 दिन में दूसरी बार हो गया ये ट्यूबवेल खराब। हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजते हैं, हमें पता है, हम इतनी दूर दूर से पानी लेके आते हैं। पानी के लिए हमें बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। प्रशासन से मांग है जी, जो अफसरशाही है यहाँ पे, खासकर हमारे एरिया में, किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर कहीं भी जाओ कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो बिजली बोर्ड का है, चाहे वो सिंचाई वाले हैं, SDOs अपने ऑफिस में बैठते हैं और किसी पे जाते हैं, वो कहते हैं जी साहब छुट्टी पे हैं। ये जितने भी साहब हैं, पहली बात मेरी CM साहब से ये रिक्वेस्ट है, हिमाचल CM से, कि ये जितने SDO एक्शन हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स करो, कि अगर 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे जाकर देखो सिंचाई की सारी जितनी पाइपलाइन डाली है सारी लीक कर रही है, गवर्नमेंट पैसे की इतनी वेस्टेज हो रही है, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो हमारी CM हिमाचल से ये रिक्वेस्ट है, इन अफसरों के ऊपर लगाम लगाएं। हम जाते हैं पटवारखाने में, पटवारखाना बंद है, हम जाते हैं बिजली बोर्ड में, बिजली बोर्ड वाले छुट्टी पे हैं। ये जनता इतनी खड़ी है, परेशान हो रही है, इनके पैसे से इनको सैलरी मिलती है, हम लोग टैक्स भरते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज को पैसा मिलता है, और ये जाके वहाँ जाओ कुर्सियों पे पैर रखे के बैठे होते हैं ऑफिस में। थोड़ा सा इन पे लगाम लगवाइए, और जो जनता परेशान हो रही है इनकी थोड़ी सी सुनवाई होनी चाहिए। और हर महकमे की बात है, चाहे वो बिजली वाला है, चाहे सिंचाई वाला है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, किसी ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है। इनकी जरा खिंचाई होनी चाहिए ताकि अफसरों की अकाउंटेबिलिटी हो, जनता परेशान ना हो, यही रिक्वेस्ट है हमारी। हमारे यहाँ पे पानी की समस्या अभी 5 दिन से है, और यहाँ पे कोई भी मतलब IPH का डिपार्टमेंट कोई भी देखने नहीं आता यहाँ पे। मैंने, मेरे साथ 2-3 बार बात हुई उनकी, पहले 24 तारीख को शाम को मतलब खराब हो गया था, 25 तारीख को कोई नहीं आया डिपार्टमेंट से, 26 तारीख को मोटर खोल के ले गए हैं, फिर मेरी उनके साथ बात हुई, वो कह रहे भी 2 दिन में हम मोटर डाल देंगे, तो 25 के बाद 26 तारीख 2 दिन भी हो चुके हैं, अभी आज भी बात हुई वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, SDO साहब छुट्टी पे है। तो आपकी प्रशासन से आप क्या मांगे?
मांग किया। इससे पहले भी लास्ट कोई दो या तीन महीने की बात है, तो उस टाइम भी कम से कम 10 दिन पानी नहीं हमारे यहाँ पे आया, तो उस टाइम भी विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। 15 दिन पहले भी खराब थी, मतलब बार बार यहाँ पे पानी की समस्या चली हुई है जी, सुनवाई कोई नहीं करता जी। और ऑपरेटर भी यहाँ पे एक है, टेबल दो है, वो कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब हमारे मतलब अलग अलग ऑपरेटर भी अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे, जो हमारी मतलब मांग है लोगों की। अगर प्रशासन आपकी मांगों को पूरी नहीं करता तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? तो हम यहाँ पे मतलब आंदोलन करेंगे। 6 तारीख को जनमंच हो रहा है, हम वहाँ पे जाके उसका बहिष्कार करेंगे और वहाँ पे काले झंडे दिखाएंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करके ले जाएंगे वहाँ पे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह। हाँ हाँ।